सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर आखिरकार कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल का जो दरिंदा डॉक्टर प्रिंसिपल जो था उसे सीबीआई घसीट कर ले गई, इसी का इंतजार था। और इसके साथ आरजी कर हॉस्पिटल जिस थाना क्षेत्र में आता है उसका थानेदार अभिजीत मंडल, इन दोनों को सीबीआई घसीट कर ले गई है और माना जा रहा है कि इन दोनों पर सबूत नष्ट करने का, यही बात वेरी पर्दे से कहा जा रहा है कि हत्या तो निश्चित रूप से संजय राय से करवा लिया संदीप घोष ने, लेकिन सबूत नष्ट करना, मुझे लग रहा है सबूत नष्ट करने का तो प्राइमा फेसी है। अभी मोटिव सामने आएगा कि हत्या इसने करवाई, ये मास्टर माइंड था और SHO इसके साथ था। ममता बनर्जी यदि ये काम बहुत पहले करा लेती तो कोलकाता में ये सब कुछ नहीं होता। आज पता चला इस ममता बनर्जी घुटने के बल गई डॉक्टरों के पास, जूनियर डॉक्टरों के पास, जो अकड़ू अहंकारी बदमिजाजी के लिए कुख्यात ममता बनर्जी, उसने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, दीदी हूं तुम सबकी और आखिरी बार आई हूं। इन्हें लगा कि घुटने के बल आ जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट गए ममता के घर से जाकर के वापस लौट आए। ये तस्वीर, ये फ्रेम, ये खबर अभी थोड़ी देर पहले की है कि इस दरिंदा डॉक्टर प्रिंसिपल को घसीट कर सीबीआई ले गई। अब तो लग रहा है ममता का पूरा राज खुलता जा रहा है। सर हाँ मनीष जी, मैं पहले दर्शकों से बता दूं कि हम लोगों ने इसको थंबनेल में इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि तब तक ये खबर ही नहीं आई थी जब हमारा थंबनेल बन रहा था, और ये बिल्कुल अभी अभी समझ आई। आप देख रहे होंगे जो मैंने कटिंग डाली है उस पर लिखा है कोलकाता अभी, यानी बिल्कुल एकदम ताजा खबर है। और उस खबर का जो है संदीप घोष और जो अभिजीत मंडल जो SHO है उसकी गिरफ्तारी की खबर है। अब मैं बताता हूं मनीष जी कि ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है और आगे आने वाले तूफान की खबर है ये, क्योंकि अभिजीत मंडल तो चलिए आज गिरफ्तार हुआ है, इस संदीप घोष को तो सीबीआई जरा पहले गिरफ्तार कर चुकी भ्रष्टाचार के आरोप में, तो ये ऑलरेडी उसकी कस्टडी में था। आज उसको लिखा पड़ी में उसने उस रेप कांड में उसको गिरफ्तार किया, ये सबसे खास बात है। ये गिरफ्तार तो था ही, ये हफ्ता भर पहले इसको गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आज इसको रेप कांड में भी गिरफ्तार किया गया, यानी इसको दो मामलों में अब ये गिरफ्त में है। अब इससे रेप कांड के बारे में भी बात होगी और इसी के साथ अभिजीत मंडल भी पकड़ा गया है, वो SHO। अब बताता हूं मनीष जी कि इसके ऊपर जो अभी सीबीआई बयान दे रही है वो ये कह रही है सबूत मिटाने के आरोप में, और सबूत मिटाने के आरोप में जो उसने जांच की तो उसमें पता चला वो जो तुरंत वहां पर सब तोड़फोड़ करके नया बनवा दिया गया था, तो वो केवल इसी के आदेश पर, इसी के कहने पे वो बना था और उन पेपरों में इसके दस्तखत मिले हैं इस संदीप घोष के, तो एक तरह से। और ये जो सीबीआई कह रही है कि इसने जानबूझकर इसको मालूम था, लेकिन इसने ये कुछ विशेष जल्दी इसने दिखाई उसको वहां बनाने में, ये मैं अभी दर्शकों को बता रहा हूँ कि इसमें आपको खेल समझ में आ जाएगा। ये तो अभी सीबीआई ने प्रथम दृष्टया बयान दिया कि हमने इसको गिरफ्तार क्यों किया है, लेकिन जरा अब समझिए कि सबसे पहले मनीष जी वो गया गिरफ्तार होता है संजय राय, और वो तो बहुत दिनों से पुलिस, और वो तोते की तरह वो बोलना शुरू कर दिया होगा उसने सीबीआई को, इतने दिन से वो है सीबीआई के पास, तो वो क्या क्या बोला होगा अनुमान आप लगा सकते हो, उसके जैसे लफंगे जो है ज्यादा दिन सीबीआई के सामने टिक नहीं सकते। और उसके बाद उसने इसका राज खोला है संदीप घोष का, और ये मैं समझ रहा था कि जो इसको इसके करप्शन को लेकर जो बात चल रही है, करप्शन के इसके छापेमारी हो रही है, इसको पकड़ा जा रहा है, तो वो इसकी घेराबंदी थी इसके सारे के, जो वो संजय राय ने मारा तो संजय राय ने कोई ऐसा नहीं है कि उसने कोई उसका मूड आया उसने जाके वहां रेप किया और मार दिया, वो बड़ी प्लानिंग के तहत की गई हत्या थी जिसने पूरा तूफान खड़ा किया है कलकत्ते के अंदर। तो इस आदमी के साथ पूरी मिली भगत थी, इसके कहने से ही उसने मारा था, ये बहुत अभी जो प्रारंभिक संकेत मिल रहे हैं, और इसीलिए सीबीआई इसके बारे में पूरी इकट्ठी कर रही थी सबूत, और वो मेरे ख्याल से अब सीबीआई के पास इकट्ठे हुए हैं कि निश्चित तौर पर मनीष जी उसके पास कोई बड़ी सूचना थी उस बेटी के पास कलकत्ते की, और उसको उसका मुंह बंद करने के लिए इन लोगों ने ये काम किया है, ये करवाया उस संजय राय से है, लेकिन ये उसमें बराबर का साझीदार है। और जो अभी सीबीआई ने जो अपना कारण बताया है, तो जरा गौर करिए कि वो जो सबूत मिटाने की बात कही है सीबीआई ने कि इसने वहां बनवा दिया, उसके कागज पे दस्तखत है, तो ये केवल इसकी गिरफ्तारी को अभी केवल सीबीआई उतना ही बता रही है
जितना उसको बताना इसकी गिरफ्तारी के लिए जरूरी है, अन्यथा ये इसने वहां पर वो नए नए निर्माण के लिए इसके इसके दस्तखत से वहां पे हो रहा था, इसी ने आदेश किया था, ये सारी बातें इसको मालूम थी, उसके बावजूद इसने आदेश क्यों किया, तो ये तो बात समझ में आती कि चलिए इसको ले लिया। वो SHO क्यों गिरफ्तार हुआ है, ये बड़ा सवाल है। उसने उसने तो बलवा नहीं दिया वहां मेडिकल कॉलेज के अंदर, उसका तो कोई मेडिकल कॉलेज से लेना देना नहीं, वो तो बाहर था। तो SHO की गिरफ्तारी ये बता रही कि ये बड़ा षड्यंत्र है, और इसमें एक नहीं, जो संजय राय जो शुरुआत में पकड़ा गया था, संजय राय ने ये पूरा गिरोह है, और ये गिरोह जाहिर सी बात है जिसमें प्रिंसिपल शामिल है, वो इस वो लंबा खेल है, करोड़ों का खेल है। इसके इसके यार दोस्तों के जो छापे पड़े हैं, तो ये कभी कुछ ही दिन पहले छापा पड़ा, 2-3 दिन पहले जहां पता चला 8 करोड़ का मनीष जी सोना उसके यहाँ से बरामद हुआ है, तो ये पूरा माल जाता कहाँ था, ये जाता कहाँ था। और अब इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद अब मैं कहूंगा कि जरा समझिए, वो जो ममता बनर्जी है उसके सारे नट बोल्ट क्यों ढीले पड़े हैं, वो क्यों बिल्कुल एकदम वो विनम्रता की मूर्ति बनी हुई है, किस तरह से डॉक्टरों के सामने बिछी हुई है कि बस आ जाओ बात कर लो और सब कर लो। आज नहीं, जब वो डॉक्टर नहीं गए तो वो उसके बाद वो आज वो धरना स्थल पे चली गई जहां वो धरना स्थल कर रहे थे, और वहां पर जाकर उनको निमंत्रण दिया, उसके बाद फिर अपने घर पर बुलाया, और घर जाकर भी दर्शकों से बता दूं कि घर जाकर भी उसकी जो नौटंकी थी, मैंने कल भी कहा था मनी जी, कल या परसों जब हम लोग बात कर रहे थे कि ममता बनर्जी के दांतों में पसीना इसलिए आ रहा है क्योंकि अब की उसका सामना पढ़े लिखे लोगों से है, इंटेलेक्चुअल लोगों से है, वो जाहिल नेताओं से उसकी बातचीत नहीं हो रही। उनको बुलाया था लड़कों को कि आके हम इनको बहका के बात कर लेंगे, उन लड़कों ने उसके दरवाजे जाकर वो उसके घर के अंदर नहीं गए, ये आप जो सही कह रहे हैं, जो देखिए इसने अपनी जो फोटो डाली है कि घर के दरवाजे तक गए, और उन्होंने फिर वही सवाल पूछा कि हमारी लाइव स्ट्रीमिंग की तुमने व्यवस्था की है कि नहीं की है, और वो इसने नहीं की थी। और आज इसने अपना असलियत भी बता दी कि हम ऐसे नहीं, हम तो वीडियो रिकॉर्डिंग करा लेंगे, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट से पूछने के बाद तुम लोगों को देंगे। तो वो लड़के इसके गेट से वापस आ गए आज फिर, और डॉक्टरों के साथ इसका कोई समझौता नहीं हो पाया। और वैसे भी बता दूं कि जब ये बुला के न्योता देके गई थी उनको शाम का, तो उन डॉक्टरों से जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि हम जा जरूर रहे बात करने, लेकिन हमारी जो 5 मांगे हैं उन पर हम किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तो आज आज जितनी इसने नौटंकी की थी वो पूरी भंभट हो गई। तो ममता बनर्जी को आने वाला समय बहुत भारी पड़ने वाला है, और खासकर ये संदीप घोष की और उसके साथ वो SHO की गिरफ्तारी मनी जी वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और वो जिस तरह से मैंने कहा कि वो जो संजय राय को अभी तक अपने पास रखे हुए थी CBI, तो वो तोते की तरह बोला है, उसने इन सबको बिल्कुल नंगा कर दिया है, और इनके नंगे होने के बाद पुलिस ने कहा कि आओ अब तुमको भी नहलाते धुलाते हैं, ये दोनों गए हैं। और अभी SHO जब बोलेगा तब बहुत बड़ा विस्फोट होगा। और ये जरा समझिए मनीष जी, जो बात मेरे मेरे ख्याल से हम लोग कल ही बात कर रहे थे या परसों कर रहे थे, कि ममता बनर्जी ने भी आज से संकेत देना शुरू कर दिया है। मनीष जी जो बात मैंने कही थी ना कि ये अपने वोट बैंक जो छोटा पजामा बड़ा कुर्ता है उनको दे रही है, तो जरा गौर करिए, कल एक खबर आई थी कि RG कर अस्पताल में लावारिस बैग मिला, ये आई थी कि वो लावारिस बम है या क्या है, उसके बाद वो बम स्क्वाड बुलाया गया, देखा गया, तो खैर उसमें कोई ऐसी चीज नहीं मिली थी। लेकिन आज मनीष जी बम विस्फोट हो गया है कलकत्ते की सड़क पे, और वो भी लावारिस बैग ही रखा था, और उस पर कोई कबाड़ी जो बीनने वाला है वो उस पर घायल हुआ, उसको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। लेकिन आज बम विस्फोट भी हुआ है कलकत्ते की सड़क पर, तो ये जो मैंने 2 दिन पहले कहा था उसका ममता बनर्जी ने आज से एक तरह से टेस्टिंग शुरू हुई है कलकत्ते की सड़कों पर, और आने वाले दिन और भी खतरनाक होंगे। मतलब इसका संभावना है कि कहीं पर इसी ढंग का कोई ब्लास्ट हो, कुछ ऐसा हो, और लड़कों पे डॉक्टरों पे आरोप लग जाए और उसकी तरह किसी ढंग से इसको खत्म किया जाए, या फिर प्रमोट कर दिया जाए कुछ लोगों को, भाई यहाँ फसाद कर दिया जाए, इसकी संभावना है। हाँ हाँ, ये कोई बड़ी घटना करके, ताकि वो हो जाए कि अरे डॉक्टर से हड़ताल पे तो क्या किया जाए, इस तरह से अब ये डॉक्टरों की हड़ताल तोड़वाने के मूड में आ गई है, ये समझ गए कि हमारे कुकर्म जो है उनसे किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे, और इनको जवाब देना पड़ेगा, इनकी मांगे माननी पड़ेंगी। और उनकी जो सबसे बड़ी मांग है वो मनीष जी वही है कि कलकत्ते के पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तार करो, उसको हटाओ, उसको सस्पेंड करो, और ये उस पर नहीं मान रही है, ये उसको किसी भी कीमत पे बचाने की जो कोशिश कर रही है वो अब आने वाले समय में बहुत फैसला कुन होगा। लेकिन जो मेरे ख्याल से कोई बोल नहीं रहा था, हम लोगों ने कहा था कि उस दिन जब ये बड़ी विनम्र होके आई थी, निश्चित तौर पर इसके कुछ बड़ा खतरनाक प्लान है, और उस प्लान की आज समझिए पुष्टि हो गई कि आज ये फिर एक टेस्ट हुआ है
कि वो बम फटा है, लेकिन वो हल्की कम लो डेंसिटी का बम था, लेकिन कल कुछ बड़ा भी हो सकता है और ये उसकी तैयारी कर रही है। अब ये महिला किसी तरह अब वो फिर अपने पूरा असली रूप में आ रही, पुराने नहीं असली चेहरा अब ये लेके फिर आएगी सामने। बिल्कुल, लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है, देखिए चीफ मिनिस्टर खड़ी है और मुझे लगता है कि कम से कम ज्वाइंट कमिश्नर लेवल के पुलिस अधिकारी हैं वर्दी से जो मुझे दिख रहा है, और ये घर देखिए ये कहीं से चीफ मिनिस्टर का घर नहीं लग रहा, जैसे लग रहा है कि कोई सर्वेंट क्वार्टर हो, मतलब किसी कोठी का बहुत से बहुत सर्वेंट क्वार्टर का पीछे वाला हिस्सा है। दिल्ली में हम लोगों ने, या कोलकाता चूंकि देश की पुरानी राजधानी थी, वहां सीएम हाउस भी शानदार है, मगर देखिए कि ये सादगी का ढोंग, हवाई चप्पल और सफेद साड़ी, 50 रुपए की साड़ी पहनने वाली ये महिला, इससे ढोंग देखिए कि सीएम हाउस को कैसे दिखाया गया कि जैसे कितनी सादगी है। तो ये सब लगता है कि देखिए चीफ मिनिस्टर का घर है, ऐसा लग रहा है कि कोई सर्वेंट क्वार्टर हो। तो ये पूरा जो ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी की हर चीज में कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल है, और कोलकाता नहीं के नहीं डॉक्टर्स इस खेल को पूरी तरह से समझ रहे हैं। नहीं नहीं समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से इसके साथ अब वो खेल रहे हैं। ये जितनी शातिर महिला बन रही थी, इसका सारा शातिरपना उन्होंने समझ लिया और उसको अब वो इसको समझा रहे हैं कि शातिरपना होता क्या है। और जो ये जो सादगी का ढोंग है, सादगी का जो मक्कारी है, जो सादगी की मक्कारी के बहाने ये पूरे देश को बेवकूफ बना रही थी बंगाल के साथ साथ, वो अब संदीप घोष और साथ में उस SHO की गिरफ्तारी, मैं बड़े डॉट जोड़ रहा हूँ, ये निश्चित तौर पर अब जरा इसके जब भ्रष्टाचार का राज खुलेगा तो पूरा देश चौंकेगा। देखिए जरा सुन लीजिए कि ये घटना जहां पे गई है वहां क्या कह रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वास्थ्य भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों से मिलने पहुंची। जूनियर डॉक्टरों के पास गई है और ये कह रही है कि मैं तुम्हारी दीदी हूं, और ये देखिए वहां पर कैसे बैठ गई है डॉक्टर। ये सब फोटोशॉप तैयार किया जा रहा है, और ये तैयारी कि हम सुप्रीम कोर्ट को दिखा पाए कि हम किस स्तर तक गए उनके पास, और फिर भी ये डॉक्टर्स मान नहीं रहे हैं, ये किसी के हाथ में खेल रहे हैं। क्या लग रहा है कि 50-60 जूनियर डॉक्टरों से वो डर रही है, या उसे लग रहा है कि पहली बार बंगाल उसके खिलाफ हो चुका हुआ है? नहीं, 50-60 नहीं होने की संख्या ज्यादा होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी कि मुख्यमंत्री इस तरह से सरेंडर हो जाए। मुद्दा मनीष जी वो है जो जो वहां का मैटर है, जिस विषय पे डॉक्टर इसको घेर रहे हैं, और ये उस विषय से भाग रही है, ये उस विषय से भाग रही है, उस पर ये बात भी नहीं करना चाह रही, तभी ये लाइव स्ट्रीमिंग से डर रही है। अन्यथा ये बार बार उनको जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रही कि कोर्ट से पूछेंगे और कोर्ट के आदेश नहीं है, मामला कोर्ट में है, तो उन डॉक्टरों का तो उस केस से कोई लेने देना नहीं है। उनकी 5 मांगे हैं, वो कह रहे हैं हम तुमसे बात करेंगे, तुम उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करो। कोई भी आदमी जो ईमानदार होता, बातचीत के लिए तैयार होता, वो कहता ठीक है स्ट्रीमिंग कर देंगे, आओ हम हमारे साथ बैठो कुर्सी पे, बात बने ना बने, तय हो ना हो, लेकिन दुनिया देखे तो कि तुम्हारी मांगे क्या थी और हमने उसका जवाब क्या दिया। लेकिन ये उन पर बात नहीं करना चाह रही, क्योंकि अब मैं फिर कह रहा हूं कि मैं इसको बहुत गंभीरता से ले रहा हूं कि उस संजय राय की गिरफ्तारी के 10-15 दिन बाद अब उसको संदीप घोष को गिरफ्तार कर रही है CBI, और साथ में वो SHO गिरफ्तार हो रहा है, तो ये समझिए बड़े भ्रष्टाचार का, बहुत बड़े भ्रष्टाचार का भांडा फूटने के अब करीब है। और बहुत जिस समय वो फूटेगा तो ये बहुत बुरी तरह से बेनकाब होगी, जो रबड़ की चप्पल और 50 रुपए की धोती पहन के बिल्कुल घूमती है, तब लोग जानेंगे कि कैसे कैसे ड्रामेबाज नेता इस देश की राजनीति में है। जैसे वो लालू भी इसी तरह का ड्रामेबाज था मनीष जी, वो थोड़ा पुअर था, ये थोड़ी पुअर नहीं है बस। और केजरी उसका कम थोड़ी ना है। हाँ, केजरीवाल को आप ले सकते हैं, वो भी जब तक, वो तो खैर मुख्यमंत्री बनने के बाद तो उसके चर्बी चढ़ गई, वो बढ़िया कपड़े पहन के घूमने लगा, नहीं था उससे पहले वो भी वही पुताई वाली चप्पल और 2-4 नंबर ढीली शर्ट पहन के घूमता था।